फ्री में सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए सीखते रहिए यूट्यूब चैनल को, और बगल में दबाइए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवशंकर और आप देख रहे हैं देखते रहिए सीखते रहिए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप अपने एटीएम मशीन पर जाकर आप खुद से अपने आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो उसके लिए आपको जाना होगा बैंक में, जहाँ पर आप अपना जहाँ पर आपका ब्रांच है, होम ब्रांच। आप होम ब्रांच में जाइए, आप एक एप्लीकेशन लिख कर जमा कीजिए, आधार कार्ड का फोटो स्टेट जमा कीजिए, उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। अगर आपको एटीएम कार्ड मिला है तो आप अपने एटीएम मशीन पर जाकर आप खुद से, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, आप अपने नज़दीकी एटीएम मशीन पर जाकर आप आधार कार्ड को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने बैंक के साथ। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि एटीएम मशीन पर जाकर एटीएम कार्ड के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन मिल जाएगा, आप लोग उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपना एटीएम कार्ड पकड़ना है और आपको अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में स्वाइप करना है। जैसे ही आप अपना एटीएम कार्ड मशीन में स्वाइप कर देते हैं तब आपको इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना एटीएम कार्ड का पिन डालना होगा, जो 4 अंक का होता है। जैसे आप अपने एटीएम कार्ड का पिन यहाँ पर डायल कर देते हैं तो आपको आधार रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप आधार रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, 3rd नंबर का बटन। तो आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा, 12 अंक का। तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिए, हम भी अपना टाइप कर दिए हैं। और टाइप करने के बाद आपको करेक्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप करेक्ट पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको आधार कार्ड का नंबर री एंटर करने के लिए बोल रहा है। जो आधार कार्ड का नंबर अभी आप टाइप किए हैं वही आधार कार्ड का नंबर आप फिर से यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो हम यहाँ पर टाइप कर दिए हैं और यहाँ पर करेक्ट पर क्लिक कर दिए हैं। आपका अकाउंट करेंट है तो करेंट, अगर सेविंग है तो सेविंग सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा सेविंग था तो हम सेविंग सेलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पर योर ट्रांजेक्शन अंदर प्रोसेस प्लीज़ वेट, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा और आपको एक स्लिप भी निकल जाएगा और आपको डिस्प्ले पर भी एक मैसेज आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है डिस्प्ले पर, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, थैंक यू। दोस्तों, ये मेरा आधार कार्ड का नंबर था और इसीलिए यहाँ पर इसे हम हाइड कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।